हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर डार्क माइंड में बहुत स्वागत है। क्या आप अफोर्डेबल प्राइस रेंज में बेहतरीन परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप परचेस करना चाहते हैं जिसमें ड्यूअल स्टोरेज और एएमडी का प्रोसेसर हो? तो आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको एचपी के एक नए लैपटॉप के बारे में बताऊंगा जिसे एचपी ने कुछ ही समय पहले इंडिया में लॉन्च किया था। और यह लैपटॉप 42,000 के प्राइस रेंज में आता है। यह लैपटॉप उन लोगों के लिए एक बेहतरीन डील है जो इस बजट में ऑफिस वर्क, प्रोग्रामिंग और कैजुअल गेमिंग के लिए लैपटॉप परचेस करना चाहते हैं। और आपको एचपी के इस मॉडल में काफ़ी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में आपको इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस लैपटॉप के बारे में। आज मैं जिस लैपटॉप की बात कर रहा हूं वो है HP 15S। इस लैपटॉप में 15.6 इंचेस का एंटी ग्लेयर कोटिंग वाला फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और बता दूं, इस लैपटॉप में टू साइडेड माइक्रो एजेस देखने को मिलेंगे। कंपनी ने इस लैपटॉप में काफ़ी स्लिम एजेस प्रोवाइड करवाए हैं, जिससे आपको डिस्प्ले में एक बहुत ही अच्छा सा ब्राइट व्यू देखने को मिल जाता है। और लैपटॉप के डिस्प्ले के कलर्स काफ़ी बढ़िया हैं, और इसमें आपको 250 निट्स की ब्राइटनेस और 45% NTSC कलर गैमेट देखने को मिल जाएगी। और आपको इस लैपटॉप में फुल HD रेजोल्यूशन वाली मूवीज़ को देखने में बहुत मज़ा आएगा। HP के इस लैपटॉप का डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम सा लगता है, और लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। और बता दूँ, लैपटॉप के बैक पैनल में आगे और पीछे रबर ग्रिप्स देखने को मिलती हैं, जो लैपटॉप में एक अच्छा ग्रिप और कूलिंग बनाए रखेगी। इस लैपटॉप के डायमेंशंस के बारे में बताऊं तो इस लैपटॉप की विथ 35.9 सेंटीमीटर, डेप्थ 24.2 सेंटीमीटर और इस लैपटॉप की हाइट 2 सेंटीमीटर है। और इस लैपटॉप का वेट सिर्फ 1.82 किलोग्राम है, और यह लैपटॉप हाथों में पकड़ने पर बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता है। यह HP का एक थिन एंड लाइट वेटेड लैपटॉप है। आप इस लैपटॉप को बैग में ईजिली कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं, और यह सिल्वर कलर में आता है। चलिए अब बात करते हैं इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इस लैपटॉप में AMD का थर्ड जनरेशन का Ryzen 3 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और इसमें 2.6 GHz की बेस क्लॉक स्पीड से लेकर 3.5 GHz की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाती है। और इसमें 2 कोर्स, 4 थ्रेड्स और 4 MB कैशे मेमोरी देखने को मिलेंगे। और इस लैपटॉप में 256 GB की M.2 SSD और 1 TB की हार्ड डिस्क स्टोरेज दी गई है, और इसमें 8 GB की सिंगल DDR4 रैम दी गई है, जिसे आप 16 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। और बता दूं, इस लैपटॉप में AMD का Radeon Vega 6 इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगा, और इसमें आपको 1200 MHz की स्पीड देखने को मिल जाएगी। और यह ग्राफिक कार्ड 3 कोर्स का रहने वाला है, और इस लैपटॉप में आपको प्री इंस्टॉल विंडोज 10 होम देखने को मिल जाएगी, और वो भी लाइफ टाइम फ्री वैलिडिटी के साथ। और आपको इस लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 देखने को मिल जाएगा। और HP ने इस लैपटॉप में 2 वॉट के डुअल स्पीकर्स दिए हैं। स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, और वीडियो कॉलिंग के लिए इस लैपटॉप में HP का ट्रूविजन HD कैमरा देखने को मिलेगा, वो भी इंटीग्रेटेड डिजिटल डुअल अरे माइक्रोफोन के साथ। कैमरा की वीडियो क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। चलिए अब बात करते हैं इस लैपटॉप के कीबोर्ड और टचपैड के बारे में। इस लैपटॉप में फुल साइज का कीबोर्ड देखने को मिलता है, और वो भी न्यूमेरिक कीपैड के साथ। कीबोर्ड के कीज के बीच की डिस्टेंस काफ़ी बढ़िया है, जिससे आपको इस लैपटॉप में टाइपिंग करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप इसमें स्मूथली टाइपिंग कर सकते हैं। पर इस लैपटॉप में बैकलिट कीबोर्ड नहीं दिया गया है, जो थोड़ा सा निराश करता है। और इस लैपटॉप का टचपैड मल्टीटच गेस्चर्स सपोर्ट करता है। टचपैड की परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया है। और बता दूं, HP के इस लैपटॉप में 3 सेल्स वाली 41 वॉट की लिथियम आयन बैटरी दी गई है, और आपको इस लैपटॉप में 5 से 6 घंटों तक की बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी। और इसके साथ में 65 वॉट का पावर अडैप्टर देखने को मिल जाता है। और चलिए अब बात करते हैं कि लैपटॉप के बॉक्स को ओपन करने पर आपको क्या देखने को मिलेगा। इस लैपटॉप के बॉक्स में आपको लैपटॉप, पावर अडैप्टर, पावर कॉर्ड और लैपटॉप के यूज़र मैनुअल देखने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं इस लैपटॉप की वायरलेस कनेक्टिविटी के बारे में। आपको इस लैपटॉप में वाईफाई 5 और ब्लूटूथ 4.2 देखने को मिल जाएगा। और पोर्ट्स के बारे में बताऊं तो इस लैपटॉप में आपको 2 USB टाइप पोर्ट्स, 1 चार्जिंग पोर्ट, 1 माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट, 1 HDMI पोर्ट, 1 USB टाइप सी पोर्ट, 1 ईथरनेट पोर्ट, 1 3.5 का हेडफोन और माइक्रोफोन का कॉम्बो जैक देखने को मिल जाएगा।
एचपी का यह लैपटॉप ऑफिस वर्क हो, स्टडी पर्पस या आपके पर्सनल डे टू डे टास्क के यूज के लिए काफी बढ़िया लैपटॉप है और इस लैपटॉप में 42,000 के बजट में काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और इस लैपटॉप के डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें 1080p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले और 250 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, जिससे आपको पिक्चर क्वालिटी के साथ किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। और इस लैपटॉप में AMD का Ryzen 3 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और आपको इसमें 2400 MHz क्लॉक स्पीड वाली DDR4 RAM देखने को मिलती है, जिससे आप इस लैपटॉप में मल्टीटास्किंग कर सकते हैं और गेम्स खेल सकते हैं और वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग भी कर सकते हैं। यानी आप इस लैपटॉप में सभी तरह के सॉफ्टवेयर्स को इजीली रन कर सकते हैं। और बता दूं, इस लैपटॉप में 1 TB की HDD स्टोरेज देखने को मिलेगी और इसके साथ में 256 GB की NVMe SSD देखने को मिलती है। और आपको इस लैपटॉप में काफ़ी बढ़िया स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी और इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है और आप इसमें 6 से 7 घंटों तक बड़े प्यार से काम कर सकते हैं। और इस लैपटॉप पर आपको पूरे 1 साल की मैन्युफैक्चर वारंटी देखने को मिलती है। आप इस लैपटॉप को लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। वाकई में HP का यह लैपटॉप एक वैल्यू फॉर मनी डील है। चलिए अब बात करते हैं इस लैपटॉप की कीमत के बारे में। इस लैपटॉप की कीमत है 41,990 रुपये और आप इस लैपटॉप को Amazon से खरीद सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस लैपटॉप का लिंक मिल जाएगा, आप Amazon पर जाकर चेक कर सकते हैं। यदि आप इस लैपटॉप की पेमेंट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करते हैं तो आपको 5-10% तक का डिस्काउंट मिल सकता है और आप इस लैपटॉप को EMI पर भी खरीद सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।